नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिक्षापुर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर पोस्टल एक्सटेंशन सर्विस स्कीम के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे हिंदी में कृषि डाक प्रसार सेवा योजना के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कृषि डाक प्रसार सेवा योजना क्यों शुरू किया गया, इसका शुरू करने का उद्देश्य क्या है, किसके द्वारा शुरू किया गया और यह योजना अभी कहां कहां पर चल रही है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य की बात करें तो दोस्तों, कृषि डाक प्रसार सेवा योजना का उद्देश्य खेती की उत्पादकता व आय को बढ़ाना है। ठीक है, केंद्र सरकार ने कृषि डाक सेवा नामक योजना शुरू किया, जिसका उद्देश्य खेती की उत्पादकता व आय को बढ़ाना है। दोस्तों, इस योजना यानी कि कृषि डाक प्रसार सेवा योजना को किसने शुरू किया, केंद्र सरकार ने शुरू किया है। दोस्तों, और आपको बता दें कि इस योजना का प्रारूप यानी कि मॉडल ICR ने दिया है। ICR ने उन्नत बीजों को चिन्हित किसानों तक सीधे पहुंचाने के लिए डाकघरों के प्रयोग की यह अनूठी योजना तैयार की है। दोस्तों, कृषि डाक प्रसार सेवा योजना का प्रारूप यानी कि मॉडल ICR ने दिया है। दोस्तों, और आपको बता दें कि इस योजना का मूल उद्देश्य, दोस्तों यहाँ पर देखिए उद्देश्य है और यहाँ पर मूल उद्देश्य है, पहले हम आपको इन दोनों का अंतर समझा देते हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आप मार्केट जा रहे होते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो दोस्तों सामान्य तौर पर आप बताते हैं कि हम मार्केट यानी कि बाज़ार जा रहे हैं। लेकिन अगर वह व्यक्ति पूछता है कि क्यों जा रहे हैं, तब आप जिस काम के लिए बाज़ार जा रहे होते हैं यानी कि मार्केट जा रहे होते हैं उसे बताते हैं। इसी तरह दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि कृषि डाक प्रसार सेवा योजना का उद्देश्य क्या है, तो आप बताएंगे कृषि डाक प्रसार सेवा योजना का उद्देश्य खेती की उत्पादकता व आय को बढ़ाना है। और दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे कि कृषि डाक प्रसार सेवा योजना का मूल उद्देश्य क्या है, तब दोस्तों आप बताएंगे कि इस योजना का मूल उद्देश्य उन्नत बीजों को डाक के माध्यम से चिन्हित गांव के किसानों तक पहुंचाना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यह योजना डाक विभाग के सहयोग से चलाई जाती है। ठीक, यह योजना देश के 14 राज्यों के 100 जिलों में चलाई जाएगी। ठीक है, यह दोस्तों अभी योजना चलाई जा रही है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले इस योजना का प्रयोग कहां पर किया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में, तो सीतापुर जिले में। ठीक है, और दोस्तों इसके बाद बिहार के बक्सर ज़िले में, मध्य प्रदेश के शिवपुर ज़िले में और राजस्थान के सिरोही ज़िले में और जम्मू कश्मीर के जम्मू जिले में। ठीक है दोस्तों, और आपको बता दें कि यह योजना इस बात के लिए आपको प्रोत्साहित करती है, ऑफर देती है कि आप पहले बीज को खरीद लें, उसके बाद आप पेमेंट करें। तो दोस्तों सबसे पहले जब योजना शुरू की गई थी, तो ICR ने बीजों को निःशुल्क किसानों तक पहुँचाता था, लेकिन अब जो है शुल्क लेने लगा है। आप इस शुल्क को पहले बीज खरीद लें, उसके बाद पेमेंट कर सकते हैं, ऐसी सुविधा इसमें दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप कृषि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आज ही सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। ठीक है दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल का लोगो यही है, देख लीजिए। बहुत से दोस्तों चैनल जो है जाली चल रहे हैं, फेक चल रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ें। यह वीडियो दोस्तों शॉर्ट वीडियो है। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है एग्रीकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर असिस्टेंस ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर जैसे अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कराई जा रही है। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद दोस्तों।